जबलपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते मौसमी बीमारियां लगातार पैर पसार रही हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों से लोग लगातार ग्रसित हो रहे हैं। हालात ये है कि अस्पतालों में अब जगह नहीं बची है और मरीजों को फर्श पर लिटाना पड़ रहा है। जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल के वार्ड्स में हालत ये बन गई है कि मरीजों को बेड तक नसीब नहीं हो रहे हैं और उन्हें नीचे ही गद्दे डालकर सुलाया जा रहा है। जो मरीज निजी अस्पतालों का खर्च नहीं उठा पाते, मजबूरन उन्हें सरकारी अस्पतालों के इन हालातों का सामना करना पड़ता है। जबलपुर जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मरीज भी लगातार सामने आ रहे हैं। इन सब के बावजूद भी अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था नजर नहीं आती। वहीं जबलपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि अस्पताल में फिलहाल केवल 275 बेड ही उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है, लेकिन जल्द ही बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इस समय मौसमी बीमारियों का कहर टूट रहा है, लेकिन अस्पतालों में हालात कैसे हैं ये जानने के लिए हम पहुंचे अस्पताल के एक वार्ड में। मेरे बाजू में आप एक अम्मा देख रहे होंगे, ये फर्श पर लेटी हुई हैं क्योंकि इन्हें बेड नहीं मिला है। बेड ना मिलने की सबसे बड़ी वजह ये है कि मरीज इस वार्ड में इतने ज़्यादा हैं कि जो स्टाफ है, जो प्रशासन है, वो मरीजों को बेड तक उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। और इस समय अम्मा जो है, एक गद्दा है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सरकारी तौर पर दिया गया है, और यहाँ पर नीचे लेटा दिया गया है। हमारे साथ इनके परिजन हैं, आपके साथ हैं अम्मा। हाँ। जी, कहाँ से आई हैं आप? बाबा टोला सिंधी कैंप से आए हैं। क्या हो गया? इनको हाथ पैर सुनने पड़ जाते हैं और बीपी एकदम दोनों लो है, ऊपर नीचे का बीपी लो है, तो उल्टी दस्त भी हो रहा है। कब से आए हैं आप? आज ही आए हैं हम सुबह। तो बेड नहीं मिला अभी? बेड नहीं मिला, मैडम बोली है मिलने वाला है, तो वो मरीज चली जाएंगी तो वो बेड में शिफ्ट हो जाना। मौसम लगातार बिगड़ रहा है, बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से मौसमी बीमारियां पैर फैला रही हैं। खासकर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू जैसे मरीज लगातार जबलपुर जिले में भी सामने आ रहे हैं, और इन सबका आंकड़ा 100 से ज़्यादा हो चुका है। कैमरामैन रविंद्र सांत, दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।